Are we live? Welcome to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. बच्चे आपकी dropper series start हो चुकी है. आज आपकी first class है. तो dropper series में हमने पहले 11th से start किया. उसके बाद we will jump into the 12th. तो पहले हम 11वीं के सारे chapters को finish करेंगे. उसके बाद हम 12th पे आएंगे. तो 11th का सबसे पहला chapter लिविंग वर्ल्ड छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. सो आई थॉट उसका थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए. उस चैप्टर को आप काफी बार पढ़ चुके हो. बहुत छोटा मोनोटोनस सा चैप्टर लगता है. तो इसीलिए आज हम कुछ बेहतरीन 20 क्वेश्चंस की मदद से पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू cover all those questions also. Very, very, very good afternoon, my dear kids. We have Dinesh. Hello, beta. I am perfectly fine. How are you? Aap kaise hain? Main ekdam swasth hoon. Ekdam maje mein hoon. Aap kaise hain? Pinku, hello. Yes. Pinku, we are going to start dropper batch by today itself. है ना, कल वाली कोई चीज नहीं है. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. तो आज ही से हम शुरुआत कर रहे हैं. यस शारिक, हम आज ही से शुरुआत कर रहे हैं. अपने ड्रॉपर बैच का आगाज हो चुका है. आज हम पहला चैप्टर, जो बहुत ही छोटा सा आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उससे शुरुआत कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. दिनेश, यू गॉट 285. कबीर दास, ठीक है जी. कबीर दास जी, आपको 285 मिला. 360 में से 285, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, थोड़ा कम स्कोर है ना. बायो में तो एटलीस्ट आपका 300 पार तो होना ही होना चाहिए बेटा. मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही. मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अब अपने आने वाले कल के लिए इस तरीके से तैयारी करें कि आप कम से कम 300, कम से कम आ रही हूँ मैं, बायो में अगर 350 लेकर के आओगे तो इससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है. भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हर साल कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा. कभी फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आ गया, कभी केमिस्ट्री आ गया. जैसे इस साल आपका केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आया था, है ना. तो लास्ट ईयर आपका फिजिक्स हल्का सा डिफिकल्ट आ गया था. बट बायोलॉजी आपका मोर और लेस वैसा ही पेपर देखने को मिलता है. तो बायो में तो अपना 350 एम करके चले ताकि आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाए. भाई आपके चार वर्टिकल में से एक वर्टिकल को बहुत सुपर्ब शानदार बना लो. यस दिनेश, एकदम सुपर्ब शानदार बना लो. 350 नंबर को एम जरूर आप करके चले, ठीक है. हेलो 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 वर्षा मैम, चैप्टर वाइज चलना. हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज ही चलेंगे. पहले हम 11th के चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम 12th पे आएंगे. एंड सीक्वेंस वुड बी द एनसीईआरटी सीक्वेंस. ये तथ्य हर किसी बच्चे को पता होगा कि अब जो पेपर है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है. इनफैक्ट इस साल तो इतने सारे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज इट इज आपसे पूछ लिया था. तो मैं आपको पहले 11th 12th पढ़ा करके उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी हर एक चैप्टर के. यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी थ्रू आउट द ईयर. एक बात जो मैं आपको कल भी बोल रही थी, आपको शुरुआत से ही चयन कर लेना है अपने टीचर का, अपने प्लेटफॉर्म का. बिकॉज बीच में आप कभी यहाँ होप ऑन कर रहे हो, कभी आप वहां होप ऑन कर रहे हो, उससे आपकी खुद की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उससे आपकी स्टडीज में वो ब्रेक लग जाता है. तो ये जज करने की साइड को छोड़ो, जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होते, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाते हो, आपकी पढ़ाई बेहतर हो पाती है. लास्ट ईयर खूब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, अब इस साल एक्सपेरिमेंट मत करो, स्टिक हो जाओ उसी प्लेटफॉर्म पे, स्टिक हो जाओ उसी टीचर के साथ में, एंड थ्रू आउट द ईयर अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ में करते हुए चलो. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स से अचीव नहीं कर सकते. यू कैन डेफिनेटली अचीव एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. एक ही चीज मुझे चाहिए आपसे, कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल. मैम प्रारंभ एंड धैर्य, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश बेटा. जो धैर्य सीरीज है उसमें हमारी 12th चल रही है. ड्रॉपर सीरीज में हमने 11th स्टार्ट करी है. जो 11th की सीरीज है उसमें हम 11th थोड़ा धीमे धीमे गति से पढ़ाएंगे ताकि आप बच्चे अब्सॉर्ब कर पाए. भाई 11वीं का बच्चा 10वीं क्लास से 11वीं में गया है, उसके लिए सब कुछ बहुत नया है, तो उसको अब्सॉर्ब करने का समय भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है जी. चलिए जी, परफेक्ट, स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपने आज की बेहतरीन सी कक्षा को. हेलो बीएम जोशी, हाउ आर यू. स्टार्ट कर लेते अपनी आज की सुपर अमेजिंग क्लास को. मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई है बच्चे,
थ्योरी पढ़ना इज पैसिव लर्निंग. आप बैक सीट पे बैठ के बस पढ़ते हुए चले जाते हो. बट क्वेश्चन सॉल्व करना इज एक्टिव लर्निंग. आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है. आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मैंने ये चीज़ कहाँ पढ़ी है. जब आप ये सोचते हो तो आप उसके आसपास की चार पांच चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ करके चले जाते हो. तो आज हम लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं बच्चे. 20 क्वेश्चंस वी गोना सॉल्व. एक एक क्वेश्चन आप सारे बच्चे मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे. क्या मैं अटल बैच ज्वाइन कर लूं? भाई पिंकू, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है अटल बैच में और ये प्रारंभ बैच में. डिफरेंस ये है, वहाँ पे आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलेगा अपने फैकल्टी के साथ में. आप अपने सारे डाउट्स को किसी भी टाइम पे पूछ पाओगे. ये वाली क्लासेस में जब मैम लाइव है तब आपके डाउट्स ले सकती है. एक एक डाउट आपका सॉल्व करा जाएगा. बट उस क्लास में एनी टाइम यू कैन आस्क योर डाउट. ये आपका डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस ये है, आप भी अपना वीडियो ऑन करके टीचर से बात कर सकते हैं. ठीक है. सिंस You are in great. Thank you very much, बेटा. Thank you, Dinesh. I'm so glad कि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं. गाबी साहब, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए सुपर. तो मेरी ओपिनियन मैंने दे दी है. शुरुआत करते हैं भाई आज के सेशन से. पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. पहले आप बच्चे सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए. अच्छा, आंसर बताने के लिए क्वेश्चन नंबर वन एंड ऑप्शन आपने लिखना है. इसके पीछे की थ्योरी, सारी कहानी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी एंड उसके बाद में आपको आंसर दिया जाएगा. यस एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में. मैं इस साइड आ जाती हूँ, आई थिंक तो आपको बेहतर व्यू मिलेगा बोर्ड का. जी, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन स्क्रीन. चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर. जो आपकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, हायरार्की, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट सेट ऑफ. फैजल का आंसर आ गया है मेरे पास. बेटा क्वेश्चन का नंबर भी डालना फैजल अगले बार. क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज सी, लाइक दैट. बीएम जोशी, वेरी गुड. फैजल रहमान, वेरी गुड. गाबिसा, ऑप्शन नंबर जीरो क्या होता है भाई? अभी अभी मार पड़ेगी तुमको, है ना, फ्लाइंग चप्पल आ रही है. जीरो, ऑप्शन नंबर जीरो. अच्छा सी, हाँ अभी ठीक है, परफेक्ट. बाकी बच्चे कम ऑन एवरीवन, आप लोग आंसर करो. मीनवाइल मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आपसे पूछा है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, एक सिंपल सा निमोनिक जो सारी दुनिया जानती है, विच इज योर कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. सबको पता है इस निमोनिक्स के बारे में, सबको पता है. यस एवरीवन, सो की, कीप से आया मेरा के स्टैंड्स फॉर माय किंगडम, दिस इज माय किंगडम. यहां से आया पी, व्हिच इज माय फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन विल बी फॉर योर प्लांट्स, डिवीजन. देन क्लीन से आया मेरा सी, व्हिच इज योर क्लास. अदरवाइज से आया मेरा ओ, व्हिच इज योर ऑर्डर. फैमिली से आया मेरा एफ, व्हिच इज योर family. Gets से आया मेरा G, which is my genus. And S से आया मेरा species. अच्छा, question में आपसे पूछा है ascending order में. तो ascending order में बच्चे सबसे नीचे है मेरा species, then I am having genus, family, order, class, phylum, and I am having kingdom. तो मेरे प्यारे बच्चों, the answer would be your option number B, species, genus, family, order, class, phylum slash division, and we have the kingdom. Yes, yes, बच्चे party. First question. Am I clear? Maximum बच्चों ने option number B लिखा हुआ, ascending order पूछा हुआ था. देखिए जी, आपका ascending order मैम ने यहाँ पे लिख दिया है. Species सबसे smallest level पे आएगा, then we have the genus, then we have the family, then we have order, we have class, we have phylum division, and we have the kingdom. Yes, bacha party. Everyone, is जो आप statement number C बता रहे हो, maximum बच्चों ने जो statement number C बताया उसमें difference आप देखो, class and order को की सीक्वेंस को चेंज कर दिया. आप देख रहे हो, एग्जामिनर इतनी छोटी छोटी चीजों से ही खेलेगा. तो बहुत सिंपल सा, अगर आपको वो निमोनिक्स भी नहीं याद करना, तो के पी सी ओ एफ
GS, ये आप याद कर लो, KPCOFGS, KPCOFGS, समझ आ गया। चले फिर नेक्स्ट पे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी ऑन योर स्क्रीन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही सेट ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, अंडरलाइन किया मैंने, टिक मार्क किया मैंने, आपके सामने चार स्टेटमेंट है, आपको सही सेट ऑफ स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द एम ऑफ ए म्यूजियम इज टू कलेक्ट प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड द रेफरेंस। नंबर बी स्टेटमेंट कहती है म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेवरल बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर ही मेरा म्यूजियम भी है एंड जूलॉजिकल पार्क भी, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। नंबर सी पे चलते हैं, बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर वन वेराइटी ऑफ ए प्लांट इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज, एक ही वेराइटी होता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रही है। नंबर डी कहता है प्लांट स्पीसीज इन द बोटेनिकल गार्डन आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। बता दो भाई क्या लग रहा है आपको, पहली स्टेटमेंट को देखेंगे मेरे बच्चों, द एम ऑफ अ म्यूजियम इज टू कलेक्ट प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड द रेफरेंस, दिस इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर बी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज बोटेनिकल गार्डन के अंदर म्यूजियम या जूलॉजिकल पार्क नहीं होते हैं, तो इनकरेक्ट। मेरे पास आंसर आ चुका है वर्षा देव का, वेरी गुड, पिंकू का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। नंबर सी देखिए, बोटेनिकल गार्डन इज हैविंग जस्ट वन वैरायटी, बोटेनिकल गार्डन इज हैविंग लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर डी इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था, ए एंड डी दोनों करेक्ट है, विच मीन्स आंसर मेरा हो गया है ऑप्शन नंबर बी, विच इज ए एंड डी, दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर और नॉट, एम आई क्लियर और एम आई क्लियर, हाँ जी, एम आई क्लियर दिनेश, एम आई क्लियर गाबिस ऑफ ब्रदर्स, एम आई क्लियर वर्षा, एम आई क्लियर पिंकू, एवरीवन, वर्षा देव, क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए सुपर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट वन, एनसीईआरटी की लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप 20 क्वेश्चंस करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एनसीईआरटी की प्रीटी मच हर एक लाइन को समराइज कर दिया गया है, प्रीटी मच हर एक लाइन को लेते हुए क्वेश्चन को फॉर्म किया है ताकि आप पूरे टॉपिक को भी समझते हुए चले, एंड फैजल रहमान का आंसर आ भी चुका है, कलेक्शन किलिंग एंड पिनिंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन, ऐसा कहाँ होता है कि आप पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हो, उसको किल करते हो, फिर आप उसको पिनअप कर देते हो, दिस हैपन इन द केस ऑफ, वेरी गुड माई डियर किड्स, इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भाई ऑप्शन नंबर वन देखते हैं, प्रिजर्वेशन प्रोसेस फॉर एनिमल, नंबर टू प्रिजर्वेशन फॉर इंसेक्ट, प्रिजर्वेशन फॉर योर प्लांट्स, preservation for your birds, तो answer is option number B, which is preservation for your insects, for your BM Joshi, very good, तो am I clear, Joshi ji, Faisal, Dinesh, Pinku, Gabisa brothers, वर्षादेव, एम आई क्लियर इन दिस क्वेश्चन, इंसेक्ट्स को आप पहले कलेक्ट करते हो, किल करते हो, आप पिनिंग करते हो, लार्ज एनिमल्स की तो आप स्टफिंग करके उसको स्टोर कर रहे होते हो, उसको प्रिजर्व कर रहे होते हो, तो ऑप्शन नंबर थ्री, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, विच इज प्रिजर्वेशन प्रोसेस फॉर इंसेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एवरी वन, डन, चलो नंबर फोर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर स्क्रीन, द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, इन द ग्रोथ, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद मैं ग्रोथ के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको समझाती हूं, पहले आप इसको सॉल्व करो, द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ आर, क्या क्या प्रोसेस होती है, फैजल, फैजल का आंसर आ गया, एक एक डिस्क्लेमर मैम आपको देना चाहती है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर आप उसके सारे ऑप्शंस को जरूर रीड आउट करें, क्वेश्चन पढ़े, सारे ऑप्शंस को डेलिब्रेटली अच्छे से ब्रेन में पढ़े, उसके बाद ही आप आंसर करना शुरू करें, ठीक है फैजल, वेरी गुड पिंकू,
पहले क्वेश्चन पढ़े, सारे ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद आंसर करें. हाँ जी, तो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, या ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हाँ जी फैजल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. तो भाई अगर हम बात करें ग्रोथ की, समझना ध्यान से जो मैम आपको समझा रही है. ग्रोथ हम डिफाइन करते हैं बच्चे कि जो नॉन लिविंग एंटिटीज है उसमें भी ग्रोथ फिजिबल है, एंड जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें तो ग्रोथ होती ही होती है. नॉन लिविंग में भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है. बस डिफरेंस इतना सा है, जो नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ होगी मेरे बच्चों, दैट विल बी एक्सटर्नल ग्रोथ. उस एक्सटर्नल को मैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी कह देती हूँ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी कह देती हूँ. एज वेल एज जो यहाँ पे ग्रोथ होगी, दैट विल बी रिवर्सिबल, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं. जो जो पॉइंट्स मैम बता रही हैं, लिखते हुए चले, समझते हुए चले, मैं बता रही हूँ बच्चों, आप उठा के देख लो कोई भी क्लासेस, जिस क्लास में एमसीक्यू अलर्ट लिख दिया, जो क्लास में आपको नोट्स बना दिया, वहां से टॉपिक जरूर, वहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है. तो अभी से एक दिन भी ढीला नहीं छोड़ना है, एक दिन भी हमें अपनी कुर्सी की पेटी को वो ढीला नहीं करना है, एकदम टाइट बांध के रखना है. ठीक है बच्चे, राइट. तो नॉन लिविंग में मैंने बताया एक्सटर्नल है एंड रिवर्सिबल है. लिविंग के केस में मेरे बच्चों आपकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी इंटरनल, जिसको कि मैं इंट्रेंसिक ग्रोथ कहती हूं. इंट्रेंसिक ग्रोथ कहती हूं मतलब अंदर से सेल डिवाइड कर रही है, सेल का एनलार्जमेंट हो गया है, उसमें एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस सिक्रेट आउट हो चुके हैं. नाउ यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस विल बी इररिवर्सिबल, दिस विल बी irreversible, right everyone? ये आपका irreversible होगा, ये आपका reversible हो जाएगा. Living में भी we have plant and we have animal, we have plant and we have animal. In case of plant, जो growth आपकी होगी, that will be for indefinite period of time, हमेशा होती रहेगी. Why? Because they do have meristematic tissues, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ divide करना है. तो यहाँ पे आपकी हमेशा indefinite period of time के लिए growth होगी, और यहाँ पे आपकी growth will be for a definite period of time, कुछ समय के लिए ही होगी, उसके बाद stop हो जाएगी. So coming back to our question everyone, the answer will be option number D. चारों की तीनों स्टेटमेंट परफेक्टली फिट होती है आपकी ग्रोथ के ऊपर. एम आई क्लियर? और एम आई क्लियर फैजल, दिनेश, बीएम जोशी, पिंकू, एम आई क्लियर इन दिस क्वेश्चन? डन डन एवरीवन, डन. चले आगे, चले आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट वन का आंसर जो करेक्ट करेगा उसको मैम की तरफ से इनाम मिलेगा. इनाम क्या होगा बता दूंगी मैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेक्ट करेगा उसको मैम की तरफ से कुछ बेहतरीन सा इनाम मिलेगा. सॉल्व करो, करेक्ट करो, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही हूं, करेक्ट करना है इस क्वेश्चन को. दिनेश का आंसर आ गया है, वेरी गुड. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी हैव अ न्यू बच्चा बुरम के नाम से, आपका भी आंसर आ गया है बुरम जी. बाकी बच्चे कम ऑन एवरीवन. पिंकू का आंसर आ गया है, बीएम जोशी का आंसर आ गया है, तो मेरे पास मिक्स्ड आंसर आए हैं, करेक्ट भी इनकरेक्ट भी. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बच्चे. क्वेश्चन आपसे फैजल का भी आ गया, क्वेश्चन कह रहा है आपसे सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम देखते के साथ मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एनसीईआरटी कहती है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज वाइडली एक्सेप्टेड. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल ये कहता है कि आई एम हैविंग जीनस एंड स्पीसीज, ये दो नेम मेरे होंगे, जीनस एंड स्पीसीज. जब मुझको नाम लिखना होगा तो If it is handwritten, मैं उसको अंडरलाइन करूंगी. अगर वो प्रिंट हुआ तो मैं इसको इटैलिक्स में लिखूंगी. जैसे कि आई एम हैविंग फैजल रहीमान, ठीक है, तो फैजल हो गया मेरा जीनस, रहीमान हो गया मेरा स्पेसिस. ये हैंडरिटन है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया. थर्ड रूल ये कहता है कि जिस भी ऑथर ने ये नाम दिया है, बीना यादव ने आपको ये नाम दिया है, तो लास्ट में मैं यहाँ पे बिन लिख दूंगी. बिन ये एब्रिवेशन में है. अच्छा ये अंडरलाइन नहीं होगा बेटा, एक सेकेंड, मैं ना
समझाने के लिए मैंने समझाया आपको, अदरवाइज आपका जो ऑथर नेम होगा उसको ऐसे एब्रिवेशन में आप लिखेंगे, राइट? अब जो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया मेंजीफेरा इंडिका, वो इसलिए किया क्योंकि एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमारे ना माइंड में फिट हो चुकी हैं चीजें कि मेंजीफेरा इंडिका देखा वही मेरा आंसर हो जाएगा। वो आंसर आपका नहीं होगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, मेंजीफेरा में जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, करेक्ट बात है, बट स्पीसीज का फर्स्ट लेटर देखिए ये भी कैपिटल कर दिया है, ये इनकरेक्ट बात है। तो मेंजीफेरा इंडिका विल नॉट बी योर आंसर, जिन बच्चों ने डी किया, जोशी जी एंड बुरम कुसुमा, एम आई क्लियर? ये आंसर आपका नहीं होगा। कमिंग ऑन टू दिस वन, एपिस इंडिका, दोनों के दोनों कैपिटल है, नॉट पॉसिबल। ट्रिपेनोसोमा का टी ही स्मॉल कर दिया है, नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन को देखिए, फाइकस का एफ कैपिटल है, बी आपका स्मॉल है। दिस इज योर, यस दिस इज योर बैनियन ट्री एंड दिस इज योर करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। तो आंख बंद करके जहां पे भी मेंजीफेरा इंडिका दिखे उसको टिक नहीं करना है आपको, अपनी आईज अपना ब्रेन ओपन करके ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और आंसर मुझे क्या लगाना है। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज फाइकस वाला आंसर। Yes everyone, मेंजीफेरा वाला आंसर नहीं होगा, फाइकस वाला आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर। डन डन एवरीवन, चलिए आगे, मजेदार क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू व्हेन कंपेयरिंग साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम जिसको कि आप वर्नाकुलर नेम्स भी कहते हैं, जो लोकल नेम होते हैं। मैम हाँ, गिफ्ट ये है दिनेश एंड पिंकू, गिफ्ट ये है आप बच्चों के लिए कि आपको मैं आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, है ना, एक MBBS एस्पिरेंट के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। ये श्योरिटी है कि इस क्लास से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा 2024 में, इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या होगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन कंपेयरिंग साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। आप साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम को कंपेयर करते हैं तो ऐसे क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। नंबर ए पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल नेम वेरी करते हैं या साइंटिफिक नेम वेरी करते हैं, सोचना। कॉमन नेम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सही बात है। देयर कैन बी मल्टीपल कॉमन नेम्स फॉर वन ऑर्गेनिज्म। भाई हरियाणा में किसी चीज को आप कुछ और बुलाते हैं, कश्मीर में आप कुछ और बुला देते हैं उसको, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज, तो करेक्ट आंसर मेरे सारे बच्चों ने करेक्ट कर भी दिया है विल बी ऑप्शन नंबर वन, साइंटिफिक नेम आर द वंस व्हिच आर वाइडली एक्सेप्टेड, व्हिच आर वाइडली एक्सेप्टेड। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे कि वो वेरी करेंगे। साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट यही था बच्चे कि जो एम्बिग्यूटी है लोकल नेम की वजह से उसको इरेडिकेट किया जा सके, उसका खात्मा करा जा सके। दैट्स वाई एक ही नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इसीलिए तो हमने साइंटिफिक नेम्स बनाए थे। तो साइंटिफिक नेम जो है ये वेरी नहीं करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर फिक्स्ड, दे आर कॉमन टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलाई कैन बी स्टिमुलस। कॉन्शियसनेस में आप पढ़ते हैं कि यू हैव द प्रॉपर्टी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यू हैव प्रॉपर्टी टू एक्स शेयर यू डन, आई विल डू दैट दिनेश, पक्का आई विल डू दैट, एक नया पिक्चर आई विल शेयर, ठीक है। हाँ जी, स्टिमुलस भाई, हम आपको ये समझाते हैं बच्चे कि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, विच मीन्स वी हैव प्रॉपर्टी, हैव इनबिल्ट प्रॉपर्टी दैट वी कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। नाउ दैट एक्सटर्नल स्टिमुलस कुड बी फिजिकल, कुड बी केमिकल, कुड बी बायोलॉजिकल ऑल्सो, could be biological also, right everyone? The stimulus can be any physical stimulus, है ना, आप चल रहे हो, आगे चल रहे हो, आगे ना आग लगी हुई है for example, तो आपका हाथ automatically पीछे आ जाएगा,
फिजिकल है ना, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, तो आपकी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है फॉर दीज स्टिमुलस. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वंस. क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन, मेटाबॉलिज्म से उठाया हुआ क्वेश्चन है. अगर आपने मेरी 11th की क्लास लगाई है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, कम से कम समय में. हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बच्चे, दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, all the chemical reactions happening in your body, sum total. Ab us sum total mein there might be some reactions which are catabolic, jisko ki aap catabolism kehte hain, and there might be some reactions which are anabolic, jisko ki aap anabolism kehte hain. Kya difference hai ma'am, kya difference hai? Cata means काटना, means breakdown करना. अगर मैं large molecule को breakdown करके small molecule में convert करती हूँ, उसको मैं catabolism कहती हूँ. Anabolism means form करना, बनाना. अगर small molecule से मिल करके एक large molecule बनता है, उसको मैं anabolism कहती हूँ. तो question में आपसे पूछा है कि example बताना है catabolism का, जिसमें large molecule टूट करके small molecule में convert हो पा रहा है. फैजल, दिनेश, पिंकू बड़ा actively chat कर रहे हैं. क्यों actively chat कर रहे हैं? Because उन्होंने breakfast किया है. ब्रेकफास्ट में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाया होगा. हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेशन प्रोसेस के तहत वो कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कंज्यूम किया है, वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है. खाली ग्लाइकोलाइसिस होगा तो 2 ATP देगा, लेकिन पूरा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन रन कर गया तो 38 ATPs दे जाएगा इनको. यस, तो उस ATP के तहत ही तो ये चैट कर पा रहे हैं, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके आंसर्स कर पा रहे हैं. तो ये रिएक्शन क्या हुई? बोलो मैम, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, टूट करके बना दिया 2 pyruvic acid छोटा मॉलिक्यूल. 6 carbon का मॉलिक्यूल, 3 carbon के 2 molecule यहाँ पे बन रहे हैं. तो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके स्मॉल मॉलिक्यूल बनाता है, उसको मैं कैटाबॉलिज्म कहती हूँ. कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे मेरी ATP रिलीज होंगी, इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, ये नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि प्लांट जो है CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं. CO2 मॉलिक्यूल 1 carbon कंपाउंड हो गया, ग्लूकोज मेरा 6 carbon. तो स्मॉल मॉलिक्यूल आपका लार्ज में कन्वर्ट हो रहा है. कैटाबॉलिज्म हुआ कि एनाबॉलिज्म हुआ? बोलो मैम, ये तो एनाबॉलिज्म हुआ, ये तो एनाबॉलिज्म हुआ. तो दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म. दिस इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ योर कैटाबॉलिज्म. करेक्ट बात है बच्चों? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था अबाउट कैटाबॉलिज्म, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज कैटा, व्हिच इज रेस्पिरेशन. ठीक है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. हां जी, विदाउट एनी एक्सेप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज the defining property of living organism. Let me explain you in detail what is a defining property and what is a characteristic feature. What is a defining feature? Aap solve karo, uske baad main explain karti hu. Haan ji, solve karo bachcho. Answers आ रहे हैं मेरे पास. Good, 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 good. Superb. Let me explain. Defining feature क्या होता है? अगर कोई भी character सभी living organism में present हो, without any exception, ध्यान से सुनना, किसी भी property को, किसी भी character को, किसी भी feature को defining feature कहने के लिए दो चीजों में फिट बैठना पड़ेगा. पहली चीज तो ये दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेप्शन. सभी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए. अगर एक भी एक्सेप्शन हुआ तो उसको मैं डिफाइनिंग फीचर ना बोल के उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रख दूंगी. नंबर वन.
नंबर टू पॉइंट, वो जो फीचर है वो किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं पाया जाना चाहिए. अगर कोई फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है विदाउट एन एक्सेप्शन और उसके साथ में वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, दैट इज नॉट माई डिफाइनिंग फीचर, दैट विल बी माई कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो बच्चे, इन ऑर्डर टू पुट एनी कैरेक्टर एनी फीचर इन द डिफाइनिंग वन, दैट शुड फॉलो टू क्राइटेरिया. द फर्स्ट वन इज इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. एंड नंबर टू इज इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन टू any non-living thing. Am I clear? अब देख लेते हैं जी क्या ऐसा set of reactions है जो कि आपका defining में आएगा. तो सबसे पहले बच्चे reproduction. सभी living organisms में नहीं पाया जाता मेरे बच्चों. There are certain exceptions. आपके sterile couples होते हैं. Mule ये reproduce नहीं कर सकते हैं. Worker bees reproduce नहीं कर सकते. We are having exception, which means it is not defining feature. काटा मार दो इस पे. Number two पे चलते हैं. Metabolism, organization and consciousness. Number three पे चलते हैं. Response to stimulus. Locomotion and sexual reproduction. अच्छा, locomotion का मतलब ये हुआ, locomotion and movement. We have two things. Locomotion मतलब आपका नीचे ना fixed है और यहां से ऐसे move करना एक closed environment में, that will be locomotion. Plant, हम एक position से दूसरे पे जा पा रहे हैं, हमारी मूवमेंट है. हम लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं. प्लांट मूव नहीं करते, लोकोमोशन को शो करते हैं. ठीक है, तो लोकोमोशन तो आपका सभी ऑर्गेनिज्म में हो ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, तो आपका ये हो गया इनकरेक्ट. जेनेटिक मटेरियल ग्रोथ एंड सेल्फ रेप्लिकेशन, बिल्कुल ही कुछ भी एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं. करेक्ट आंसर विल बी योर मेटाबॉलिज्म, जो कि सम टोटल ऑफ रिएक्शन है. कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म को जरूर शो करेगा. अब बात ये आती है जो लाइव रिएक्शंस है जो लेबोरेटरी में आप कर रहे हो, दीज आर सेल फ्री रिएक्शंस. वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं है. लोकोमोशन में बेटा चेंज ऑफ लोकेशन नहीं होगा दिनेश. लोकोमोशन में आपका फिक्स्ड अपर्चर पे मूवमेंट होगा. लोकोमोशन मूवमेंट जो है वो आपका ये मूवमेंट हुआ, जब आप एक फिक्स्ड प्लेस से आगे बढ़ रहे हो वो आपका मूवमेंट हो जाएगा दिनेश. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, तो वो आपकी लाइव रिएक्शंस हो जाती बिकॉज वहां पे सेल इन्वॉल्व नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन तो बिना सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बोल ही नहीं सकते कि वो लिविंग है. नॉन लिविंग में आपका सेल्स नहीं पाई जाती, जो होंगी उसको आप डेड सेल्स कहते हैं. कॉन्शियसनेस तो विदाउट एनी एक्सेप्शन हर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा. जो कोमा पेशेंट्स हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस है. दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डू शो कॉन्शियसनेस. तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी माय डियर किड्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. नंबर 10, the herbarium sheet. Herbarium, very important topic of this chapter. Herbarium, आप प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके कलेक्ट करके पॉइजनिंग करके उसको प्लेस कर देते हो शीट्स के ऊपर. जो हार्बेरियम शीट्स है दे कैरी ए लेबल. उस लेबल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या उस पे डेट एंड प्लेस होता है, क्या उस पर्टिकुलर प्लांट का बोटेनिकल नेम होता है जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम है या नहीं है. टेल मी इन द चैट बॉक्स. फैजल करेक्ट आंसर, दिनेश करेक्ट आंसर. फैजल से मुझे वही याद आता है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. सबका बदला लेगा तेरा फैजल. है फैजल, सबका बदला लेना 2023 का भी, 2022 का भी, सबका बदला लेके 2024 में एम्स दिल्ली में एडमिशन लेके दिखाना बेटा. ठीक है, हाँ जी सुपर. तो भाई अगर हम बात करें हार्बेरियम शीट की, तो वहां पे लेबल में यस आप डेट एंड प्लेस को मेंशन करते हैं, बोटेनिकल नेम भी मेंशन करते हैं, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम भी आप लिखते हैं. सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी परफेक्टली करेक्ट है इस क्वेश्चन में. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है दिनेश, ठीक है पिंकू, ठीक है फैजल, ठीक है बी एम जोशी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए नंबर 11 पे चलते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, द एक्चुअल अकाउंट. यहीं से सवाल का आंसर मिलेगा. द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया इज प्रोवाइडेड बाय. एक्चुअल अकाउंट
UV MM 600 plus आ रहा है बेटा. कैटेगरी क्या है आपकी यूवी? व्हाट इज योर कैटेगरी? कैटेगरी बता दो एक बार. यूवी द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया इज प्रोवाइडेड बाय एक्चुअल अकाउंट. परफेक्ट दिनेश. यूवी निकल पड़ी, अच्छा एडमिशन हो जाएगा. आई एम रियली होपफुल कि आपका एडमिशन हो जाए. अच्छा ओबीसी में भी क्रीमी है कि नॉन क्रीमी ये भी बता दे बेटा, है ना. क्रीमी में अगर नहीं हो तो पक्का से एडमिशन आपका हो जाएगा जी. एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया इज प्रोवाइडेड बाय एक्चुअल अकाउंट इज बाय फ्लोरा. मैनुअल में लिस्टिंग होती है, मोनोग्राफ कैटलॉग्स आपको पता है अच्छे से. यू नो इट वेरी वेल कि आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम क्या तो स्पेसिमेन को एज इट इज स्टोर कर सकते हैं, आइदर इन द लाइव फॉर्म और इन द डेड फॉर्म, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स की फॉर्म में हम रख सकते हैं. तो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो वी हैव फ्लोरा, वी हैव मैनुअल, वी हैव मोनोग्राफ, वी हैव कैटलॉग्स, राइट. तो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन टू योर फ्लोरा. चलिए नंबर 12 पे एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. मेंजिफेरा इंडिका क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन मेंजिफेरा इंडिका के लास्ट में एल डॉट लिख दिया जाता है. ये एल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बताइए मुझको जरा चैट बॉक्स में. व्हाट इज दिस एल डॉट जो लास्ट में लिखा हुआ है? हां जी बच्चास, व्हाट इज दिस एल डॉट? Yes, my dear kids, do let me know. Very good, I'm getting the answers. Dinesh ka answer aaya, Faisal ka answer aaya. The scientific name of mango is written as Mangifera indica L dot. What is this L means? To jo third point pe kuch bhi likha hua hoga, that will be your author's name. जिसको कि आप एब्रीविएशन में लिख सकते हैं. द लेटर एल मीन्स दैट लिनायस गेव दिस साइंटिफिक नेम टू द प्लांट. यस, परफेक्टली करेक्ट आंसर है. द लेटर एल मीन्स दैट दिस नेम इज नो लैटिन लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं, अदरवाइज सारे नाम्स में एल लिखा होता पीछे. द लेटर एल मीन्स दैट द प्लांट इज अ नेटिव. ओहो, the letter L means that the tree is large in size. देखो कितना sensible बनाने की कोशिश करी है सारे ये सारे options को. But correct answer is your option number A. The letter L means that Linnaeus gave this scientific name to the plant. जो भी author का name होगा उसको आप abbreviated form में लिख सकते हैं third place के ऊपर. Right everyone? चलिए next one. Next question, Vijay Party, on your screen. Next question is assertion and reason type of question. दो statement आपके सामने दी हैं. 2023 में भी आपके AR type of question देखे गए हैं काफी सारे. तो इस AR type of question को solve करने के लिए देखो जितने भी question थे ना, काफी questions में A B C D को change भी कर दिया था. जनरली जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्रैक्टिस यही करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि assertion, reason दोनों करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. यूजुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, इसी को ऑप्शन नंबर ए मान के चलते हैं. जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऑप्शंस को जरूर पढ़ना है. इस बार काफी क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस को ही फेरबदल कर दिया था. नंबर थ्री पे लिख दिया था ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है, तो ये जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, राइट. तो आपकी दो स्टेटमेंट्स है. पहली चीज तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, आई विल फाइंड आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट. पहली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, ICBN इज देयर टू गिव साइंटिफिक नेम टू द प्लांट, परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड भी मैंने पढ़ा, इट यूजेस आर्टिकल्स फोटोग्राफ्स एंड रिकमेंडेशंस टू नेम ए प्लांट. करेक्ट है, करेक्ट है, बट क्या रीजन? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आंसर इज नो. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत हो गया. assertion is true, this is wrong. No, both are true but reason is not the correct explanation. Yeah, it is correct, it is not the correct explanation. Dono statement correct hai but reason aapka
एक्सप्लेनेशन नहीं है ए वाली स्टेटमेंट का दिनेश, ठीक बात है, ठीक बात है. दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. फैजल, जो ICBN है वो आर्टिकल्स को यूज करता है, फोटोग्राफ्स को यूज करता है, रिकमेंडेशंस को यूज करता है किसी भी प्लांट को नेमिंग करने के लिए, ठीक है. इट विल यूज ऑल द रिसोर्सेस. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज की लास्ट टॉपिक की. कपलेट रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस व्हिच रिजल्ट इन. दो ऑप्शंस होंगे आपके, आपको चूज करना है आउट ऑफ दोज टू ऑप्शंस. कंट्रास्टिंग होंगे, यू नो इट वेरी वेल. आपको चूज करना है आउट ऑफ दोज टू, तो देयर विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड वेरी गुड रिजेक्शन ऑफ बोथ. दोनों को रिजेक्ट कर देंगे जी नहीं, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे जी नहीं. आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बोथ जी नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. भाई आपको पूछा गया डू दे हैव फर, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर तो यस दे डू हैव और दे डू नॉट हैव. तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस यू विल एक्सेप्ट वन एंड यू विल रिजेक्ट द अनदर वन, व्हिच मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. फैजल, दिनेश, परफेक्ट आंसर. Yes, which is option number D. चलते हैं 15 number question पे. Number 15 on your screen. अच्छा ये 11th हमारी चल रही है, 12th की class 6 बजे होगी sharp. इसी platform पे 6 बजे हम मिलेंगे. ठीक है बच्चे, जिसमें हमने SRFP शुरू कर दिया था. आज सबसे difficult topic outbreeding devices पे बात करेंगे and pollen pistil interaction पे बात करेंगे. ठीक है, चलो जी. हाँ जी, choose the correct statement. सही statement, correct underline किया, tick mark किया. सही स्टेटमेंट, ऑल द स्पीसीज इन अ जीनस हैव आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर टू, ऑल द स्पीसीज इन अ जीनस फॉलो सिमिलर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नंबर सी, ऑल द स्पीसीज इन अ जीनस हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री. नंबर डी, ऑल द स्पीसीज इन अ जीनस आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट. बता दो जी, स्पीसीज के बारे में पूछा है, बताओ जी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन. Come on everyone, the correct answer is they are having a common ancestry. Sabka similar method ho reproduction ka, not required. They have identical character, not possible. Bhai hum log bhi to same species ke log hain. Faisal bhi hai, Dinesh bhi hai, UV bhi hai, ma'am bhi hai. Lekin sabki characters different hai. Hum identical to bilkul bhi nahi hai. Kisi ki rank 1 aayegi, koi next year bhi nahi kar payega. To ye to aapka differentiating feature hoge, which means we do not show identical characters. Right everyone? To answer is option number C. All the species in a genus have a common ancestry. Answer is option number C. चलिए next question पे चलते हैं. Interesting question. This is very interesting question. Next one. Which among the following are exceptions to the characteristics all living things reproduce? सारी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है. वी डू हैव सर्टेन एक्सेप्शंस और उस एक्सेप्शंस की वजह से ही आप रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं. आप कहते हैं कि यस दिस इज फंडामेंटल टू लाइफ, ये जरूरी है, बट दिस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर. आंसर्स राहुल यादव जी, यादव साहब, आंसर आ गया है. बाकी बच्चे कमान, वेरी नाइस. मेरे को सबका करेक्ट आंसर मिल चुका है. म्यूल की मैं बात करूं, स्टेराइल होता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वर्कर बीज अगेन स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर जी. बोथ A and B are the correct options. Am I clear, everyone? Am I clear or am I clear? Clear? Answer is option number D. चलिए 17 पे चलते हैं. Option number 17 on your screen. Systematics refers to identification,
nomenclature, relationship and classification, या all of the above. एक लाइन लिखती हूँ, आंसर आपको मिल जाएगा. Systematics is taxonomy plus phylogeny. Taxonomy plus phylogeny. अब तो आंसर निकाल दो. Identification, nomenclature. Very good, very 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 good. Faisal, Rahul, दिनेश, करेक्ट आंसर आ चुके हैं मेरे बच्चों के. तो सिस्टमैटिक्स में आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, आंसर इज यस. नॉमनक्लेचर उसके साथ में रिलेशनशिप्स कम्स इन द प्ले, विच मेक्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आपकी तीनों ही स्टेटमेंट को काउंट किया जाएगा, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी. चलिए जी, नंबर 18 क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसी के साथ में. क्वेश्चन नंबर 18, एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, विच इज नॉट अ टैक्सोनॉमिकल एड. अच्छा मैम लिख रही है एमसीक्यू अलर्ट, यहां से आपका सवाल जरूर आ जाएगा. टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं जी आपके, आपका हार्बेरियम, आपका म्यूजियम, आपका बोटेनिकल गार्डन, आपका जूलॉजिकल पार्क, उसके अलावा इंफॉर्मेशन वाले फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, एवरीथिंग इज टैक्सोनॉमिकल एड एंड की ऑल्सो. की ऑल्सो, अब बता दो जी क्या चीज ऐसी है जो टैक्सोनॉमिकल एड नहीं है. वेरी गुड एंड परफेक्ट आंसर्स बाय माय डियर स्टूडेंट्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज नॉट अ टैक्सोनॉमिकल एड. हाउएवर बाकी जो तीन है आपके, बीट जूलॉजिकल पार्क, बीट बोटेनिकल गार्डन, बीट म्यूजियम, ये तीनों के तीनों आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है. चलिए जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. कलेक्शन, ड्राइंग, स्टिचिंग, माउंटिंग, डिपोजिशन आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हार्बेरियम. आइडेंटिफाई द मिसिंग स्टेप. सबसे पहले हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसकी स्टिचिंग करते हैं, उसको माउंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं विद द प्रॉपर मेथड. क्या ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे छूट गई है, क्या ऐसा स्टेप है जो कि रह गया है. एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स. दिनेश का आंसर आ गया मेरे पास. हाँ जी, स्टिचिंग कर दी हमने, ड्राई कर दिया, कलेक्ट कर दिया, माउंट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया. क्या हमने लेबलिंग करी कि नहीं करी? लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जहां पे कि आप डेट एंड प्लेस लिखते हैं, जहां पे कि आप कलेक्टर्स का नाम लिखते हैं जिसने कलेक्ट किया है स्पेसिमेन, जहां पे आप लोकल एंड साइंटिफिक नेम भी लिख देते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट का, साइंटिफिक नेम लिखते हैं. यस बच्चे, कलेक्शन की डेट, उसका प्लेस, कलेक्टर का नाम, लोकल एंड साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, एवरीथिंग यू गोना राइट डाउन ऑन दैट शीट जहां पे आपने अपने हार्बेरियम बनाया है, जहां पे आपने अपने प्लांट स्पेसिमेन को चिपका करके रख दिया है. तो लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर हार्बेरियम. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द लास्ट question of today's class, everyone, last question. Growth and reproduction are not the same. आप solve करो, उसके बाद मैं explain करती हूँ. Growth and reproduction. आप मुझे बताइए, ये मेरा एक organism है जिसमें single cell है, इसको मैं unicellular organism कहती हूँ. जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, अगर ये रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करना माने एक से दो बनाना, तो ये एक से ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स बना देगा. साइमल्टेनियसली अगर मैं कहती हूं कि ये ग्रोथ कर रहा है, यहां लिखती हूं,
इसकी ग्रोथ हो रही है तो उस केस में क्या होगा बच्चे, अगेन आपका एक से दो बनेगा, सेल डिवाइड, सेल एनलार्ज करेगा, अपने ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगा, डिवाइड करके दो में टूट जाएगा, यही तो होगा सेल डिवीजन में। तो इस केस में ग्रोथ में भी मेरे पास सेम रिजल्ट आया, रिप्रोडक्शन में भी मेरे पास सेम रिजल्ट आया, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में योर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्या हम बोल दें ऐसा, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा बता दो, यस बोल सकते हैं। लेकिन ऑन कंट्रेरी अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की, बहुत सारे सेल है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि सेम वैसा का वैसा ऑर्गेनिज्म दूसरा खड़ा करना, ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि एक सेल में ग्रोथ हो जाना। तो मल्टी सेलुलर के केस के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सिनोनिम्स, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो अलग अलग इवेंट होते हैं। यूनि के अंदर एक ही इवेंट होगा एंड मल्टी के अंदर आपका एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। एम आई क्लियर? बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल परफेक्ट बात है, दोनों में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज अगर एक सेल की मैं बात करूं उस सेल में आपका ग्रोथ डिफाइन होगा, बट अगर मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करूं, पूरा ऑर्गेनिज्म अगर दो में कन्वर्ट हो गया, दैट वुड बी माय रिप्रोडक्शन। तो मल्टी के केस में आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर नॉट सिनोनिम्स, दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिख देती हूं, दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर नॉट इंक्लूसिव, दे आर exclusive. So answer will be your option number D. Any doubt to any bachcha out there, किसी भी बालक को कोई भी आपत्ति किसी भी question में मुझसे please पूछ लीजिए, कोई भी doubt है तो बच्चों please पूछो, everyone in the chat box, any doubt? Yes, अगर कोई doubt नहीं है तो we have done 20 question, 20 का मतलब ये हुआ 20 into 4, 80 मार्क्स। मेरे सारे बच्चे मुझको कमेंट्स में बताएंगे कि आउट ऑफ 80 आपको कितना स्कोर मिला, आउट ऑफ 80 आपको कितना स्कोर मिला। एवरीवन, मैं पर्सनली देखूंगी कमेंट्स को, नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट भी मिलेगा आपको अगर आपने सही से ईमानदारी से ऑनेस्टी से लिखा तो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आप मिलेंगे वापस से आज ही 6 बजे, 6 बजे हमारी क्लास होगी बच्चे, किस पे, SRFP पे क्लास होगी। हम क्या पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा होगी, एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में भी चर्चा होगी। दोनों टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे शार्प एट 6 PM ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। तो बच्चे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो बच्चों। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।